हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि रिगार्डिंग मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स के ऊपर है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, तो उनको हम पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे जो पहली एल्गोरिदम है वो है फाइंड एस एल्गोरिदम। ठीक है, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस एल्गोरिदम। फाइंड एस एल्गोरिदम इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग टास्क। मतलब कि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग जो टास्क है उनको उनके लिए ये असल में यूज होती है ये जो एल्गोरिदम है। सो इट इज सिंपल एंड वाइडली यूज एल्गोरिदम फॉर लर्निंग हाइपोथिसिस। हाइपोथिसिस लर्न करने के लिए दिस इज बेस्ट एल्गोरिदम। फ्रॉम द लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ आट्रिब्यूट वैल्यू पेयर। यहां पर क्या है, आट्रिब्यूट वैल्यू पेयर। सो आट्रिब्यूट वैल्यू पेयर के रूप में हमें डेटा मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो वी विल हैव मल्टीपल आट्रिब्यूट लेबल्ड विथ सम वैल्यू एसोसिएटेड विद इट। सो आई विल गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द फाइंड एस एल्गोरिदम। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इनिशियलाइज द हाइपोथेसिस। वेरी फर्स्ट वी नीड टू इनिशियलाइज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टू द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पॉसिबल, जो भी पॉसिबल हो सकता है। सो जो मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पॉसिबल हो सकती है उसके साथ में हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोल सकूं तो द सेट ऑफ हाइपोथेसिस टू द डिफॉल्ट हाइपोथेसिस दैट इंक्लूड्स नो स्पेसिफिक वैल्यू और रेंज फॉर एनी एट्रीब्यूट। ठीक है, सो हमें बाय डिफॉल्ट जो भी हम सेट कर सकते हैं उस पर सेट करने की जरूरत है। ठीक है, फिर अगला जो है हमारे पास में वो है कि हम हर एक पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टांसेस के साथ में जाएंगे, मतलब इटरेशन करेंगे हम। सो फॉर ईच पॉजिटिव ट्रेनिंग जो इंस्टांस है उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, और ईच एट्रीब्यूट, ठीक है, इन दी इंस्टेंसेस। ओके, अब इसके अंदर हम दो कंडीशन देखेंगे कि अगर इफ जो हाइपोथेसिस है अगर वो कंसिस्टेंट है, इफ एट्रीब्यूट सॉरी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, एट्रीब्यूट वैल्यू इज कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, उस पार्ट में हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, इफ इट डज नॉट, सो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसकी जो नेक्स्ट मोस्ट जनरल वैल्यू है दैट इज कंसिस्टेंट विद दी ऑल प्रीवियसली सीन पॉजिटिव इंस्टांसेस के साथ में उसको सेट कर देंगे। तो सेट दी हाइपोथेसिस वैल्यू टू दी नेक्स्ट मोस्ट जनरल वैल्यू। तो हाइपोथेसिस की वैल्यू को हाइपोथेसिस वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड विद मोस्ट जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू। ओके, अब लास्ट में ये जैसे ही दो फोर लूप खत्म हुए हमारे पास में एट लास्ट आ जाएगा आउटपुट फॉर द फाइनल हाइपोथेसिस। अब आप बोलोगे कि यार ये मशीन लर्निंग का फट कहाँ से हुआ, लेकिन देखिए यार यहाँ से हम एक हाइपोथेसिस सेट कर रहे हैं।
So, or we know hypothesis come under the machine learning only. So, finding S algorithm incrementally refines the hypothesis by generalizing it. Whenever inconsistencies are encountered with positive training instances, ये जो फाइंडर्स एल्गोरिदम है वो इंक्रीमेंटली रिफाइन कर रहा है हाइपोथेसिस को, उसको जनरलाइज करके, कि जब कभी इनकंसिस्टेंसीज इनकाउंटर हो पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टांसेस के अंदर, तो वो उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि यार देखो, अगर कोई दो कॉलम या तीन कॉलम, मैक्सिमम दो कॉलम सेम नहीं है, अगर उनके अंदर कहीं पे भी इनकंसिस्टेंसी है, तो हम कह देंगे कि यार देखो यार, ये पर्टिकुलर कॉलम है, इसको जनरलाइज कर दो यार, जो भी चीज है इन सबको जनरलाइज कर दो, और कह दो यार इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, इस एट्रीब्यूट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये इनकंसिस्टेंट है। तो हम एक इनिशियल हाइपोथेसिस बना रहे हैं बेसिकली, कि यार कौन कौन से एट्रीब्यूट्स कंसिस्टेंट है उस पर्टिकुलर लेबल को, उस पर्टिकुलर क्लास को लाने के लिए। ठीक है, हम इससे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास को लाने के लिए कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लास्ट में आपको एक वैल्यू आएगी एट्रीब्यूट्स की, कि यार ये वाला, मतलब मान लो कि शुरुआत में टोटल एट्रीब्यूट है पांच, पांच में से तीन जो एट्रीब्यूट है वो रेस्पॉन्सिबल है यस के लिए, पॉजिटिव लेबल के लिए, और दो जो है, बाकी दो जो बचे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे भी हो वहां पर, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है तो फर्क नहीं पड़ता है। सो हाउ एवर इट डज नॉट हैंडल नेगेटिव इंस्टांसेस एक्सप्लिसिटली, सो एक्सप्लिसिटली तो ये नहीं करता है उसको हैंडल, क्योंकि देखो यार हमें दो क्लासेस को डिस्टिंग्विश करना है और हमारे पास में दो ही डेटा है, तो हम एक ही के साथ में जाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये तो इससे है। सो द रिजल्ट हाइपोथेसिस फ्रॉम द फाइंडर्स एल्गोरिदम इज ए स्पेसिफिक हाइपोथेसिस दैट फिट्स द पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टांसेस एंड कैन बी यूज टू मेक प्रिडिक्शन ऑन अनसीन इंस्टांसेस। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द फाइंडर्स एल्गोरिदम इज अ बेसिक एल्गोरिदम एंड मे नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स वेल। इट अज्यूम्स द ट्रेनिंग डेटा टू बी नॉइज फ्री एंड डज नॉट अकाउंट फॉर नेगेटिव इंस्टांसेस और प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया। अब मैं इसकी पाइथन के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है? सो लेट्स डू सो। सो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया रैंडम को, ठीक है? फिर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सीएसवी को, बेसिकली रैंडम को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ यूटिलाइज। फिर मैंने एट्रीब्यूट्स बनाए, देखो मैं एक सीएसवी फाइल लेके आ रहा हूँ, ये सीएसवी फाइल है। सो इसके अंदर सनी, वॉर्म, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, तो इनके मैंने एक वैल्यू पेयर बनाया, एट्रीब्यूट पेयर बनाया, सनी रेनी, वॉर्म कोल्ड, नॉर्मल हाई, स्ट्रॉन्ग वीक, अपोजिट है, ठीक है, एक पेयर है, सो सेम चेंज। और इस एट्रीब्यूट की मैंने लेंथ देख ली, तो इसकी लेंथ है वो नम एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर करवा दी। सो मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस मैंने बता दी कि भाई साहब मोस्ट जनरल है क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता, और मोस्ट स्पेसिफिक जो हाइपोथेसिस है वो है जीरो। सो ये हमने प्रिंट करवा दिया। अब हमने एक लिस्ट लिया ए, सो द ट्रेनिंग जो डेटा है हम इस फाइल से, सीएसवी फाइल से हम उसको रीड करेंगे, जो कि मैंने सेम डायरेक्टरी के अंदर स्टोर कर रखा था। सीएसवी डॉट रीडर से मैंने इसको रीड किया, और ये जो सारा डेटा सेट है वो इसके अंदर आ जाएगा रीडर के अंदर। अब हर एक रो को रो वाइज मैं इसके अंदर अपेंड करवाता जाऊंगा, एज ए मैं इसको पढ़ता रहूंगा और इसको मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर अपेंड करवाता जाऊंगा, ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में। सो ये लिस्ट की फॉर्म में इसके अंदर अपेंड होती जाएगी। और फिर मैं क्या करूँगा कि एक हाइपोथेसिस, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ हाइपोथेसिस मैं सेट करूँगा, एक इनिशियल वैल्यू ऑफ हाइपोथेसिस जो जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इसके अंदर हैं, तो एज यू कैन सी हियर, सॉरी, इसके अंदर एक कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स कॉलम्स है, तो मैंने सिक्स के अंदर सेट कर दिया। सो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो देर आर सिक्स एट्रीब्यूट्स, ओके, सो मैंने उसके अंदर सेट कर दिया। देखिए यहाँ पर सनी, अगर आप ये देखोगे तो मैं ये कहाँ से लाया, मैं यहीं से लेके आया हूँ, देखो यार सनी है, इस पर्टिकुलर में कितने वेरिएशन है, सनी और रेनी आ रहे हैं,
इसमें कितने वेरिएशन है वार्म और कोल्ड आ रहा है, इसमें कितने नॉर्मल और हाई, इसमें स्ट्रांग है लेकिन स्ट्रांग का अपोजिट वीक भी हो सकता है, वी नो वार्म कोल्ड सेम एंड चेंज, ओके इस तरीके से। और फिर बाद में मैंने इसको मतलब लिस्ट को इतनी बार मल्टीप्लाई करके मैंने इसके डुप्लीकेट्स बना लिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इनको प्रिंट करवा दिया। फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ फर्स्ट जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल है उसको, ठीक है, तो जितने भी मेरे मतलब फर्स्ट रो के अंदर है मैं उसको हाइपोथेसिस वाले में डाल रहा हूँ, तो फर्स्ट रो मैंने हाइपोथेसिस के अंदर डाल दूंगा, ये पूरी फर्स्ट रो जो मैंने यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर करवाई थी 0000 गिवन डेटा के बाद में, जो सॉरी इनिशियल वैल्यू ऑफ हाइपोथेसिस ये, और मैंने फिर बाद में जानबूझ के हाइपोथेसिस को सबको इसके इक्वल कर दिया, क्योंकि मेरे को इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है हर एक कॉलम के अंदर। अब मैं देखना चाहता हूँ कि हर एक कॉलम के अंदर जो यस से एसोसिएटेड कॉलम है, मतलब मान लीजिए कि ये पूरी रो यस से एसोसिएटेड है, तो मेरे को वो रो चाहिए पहले तो कि जो कि पॉजिटिव है, तो मतलब जो कि यस से एसोसिएटेड है, तो मैं उन्हीं रो के साथ में जाऊंगा, पहले तो मैं इटरेट करूंगा पूरी रो वाइज, और फिर मैं उन रो के साथ में जाऊंगा जो यस से एसोसिएटेड है, तो इन पर्टिकुलर रोज के साथ में जाऊंगा, और उन पर्टिकुलर रोज के अंदर मैं देखूंगा कि जो कॉलम है सारे कॉलम्स हैं वो सब एक जैसे ही हैं, वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। सो मान लीजिए कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया मैक्सिमल फाइंडर्स करने के लिए, फाइंडिंग अ मैक्सिमल स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, उसको फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से सबसे पहले जा रहा हूँ इन एन रेंज ऑफ ए, सो ए की रेंज के अंदर जा रहा हूँ, तो आप कहोगे यार ए की रेंज में क्यों जा रहे हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉलम के लिए है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो इसका आई है और नम आट्रीब्यूट, जो कि नंबर ऑफ आट्रीब्यूट है वो 6 है ही, तो फर्स्ट रो ऑफ कोर्स फर्स्ट रो के अंदर अगर ये 0 से स्टार्ट होता है तो उसके 6th कॉलम के अंदर यस है या नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो एंड ए की वैल्यू कितनी आएगी, जितने नंबर ऑफ इसके अंदर ए जाएंगे सॉरी, सो कितने नंबर ऑफ रोज हैं 0 1 2 3, फर्स्ट रो के अंदर जो 6th नंबर का जो है 0 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर मतलब यस, अगर ये यस है तो हम इसके अंदर जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, नहीं तो अपन क्या कहेंगे, अगर ये नो है तो क्या कहेंगे, इट डज नॉट हैंडल नेगेटिव इंस्टांसेस एक्सप्लिसिटली दैट वी नो, तो नो वालों को एक्सप्लिसिटली हैंडल नहीं करता है, वो यस वालों के साथ में जाता है, तो हम कहेंगे कि देखिए हर एक डेटा को हम लेंगे और अब हम कॉलम वाइज ट्रैवर्स करेंगे, सॉरी मैंने ये बोला था ना ये कॉलम वाइज है, सॉरी ये रो वाइज ट्रैवर्स कर रहा है सबसे पहले, तो रो वाइज और रो के अंदर कॉलम, सो अब मैंने देखा कि कॉलम वाइज, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हर एक जो कॉलम है वो अपने पिछले वाले के साथ में मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इनिशियली मैंने सबको इसके साथ में कर दिया, तो यस ये भी सनी तो सनी के बराबर होगा ही, तो ये कह रहा है कि जो AIJ है जो हर एक कॉलम है वो अपने हाइपोथेसिस के जो पिछला हाइपोथेसिस उसके साथ में मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमारा ये हाइपोथेसिस हमने सेट किया था सनी सनी के साथ कर रहा है, वॉम वॉम के साथ कर रहा है, तो इसीलिए पहले वाला इसके अंदर अगर ये ऐसा नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्म और हाई नहीं एक जैसे हैं तो क्वेश्चन मार्क डाल देगा वहां पर, उस हाइपोथेसिस की वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, अपार्ट ऑफ दैट वो हाइपोथेसिस की वैल्यू को वही रखेगा जो AIG की वैल्यू है, अगर वो कंसिस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो ये मैंने ऐसे ही डाला है कोई मतलब इसका कोई रेलिवेंट मतलब नहीं, अगर मैं नहीं भी डालता तो हाइपोथेसिस की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं थी, और फिर इसके बाद में एट लास्ट इस लूप के बाद में मेरे को क्योंकि सारे कॉलम अपडेट हो चुके होंगे उसके बाद में मैं पूरे हाइपोथेसिस को हर बार अपडेट करवाता जाऊंगा, तो हाइपोथेसिस 0 टाइम पे तो कोई अपडेशन नहीं आया, पूरी हाइपोथेसिस एक जैसी थी फर्स्ट ट्रेनिंग डेटा के सेट के बाद में, क्योंकि यहाँ पर एक जो कॉलम है वो सेम नहीं है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो क्वेश्चन मार्क डाल दिया हमने इसकी जगह पर, ठीक है, और उससे अगला तो क्योंकि नो है तो वो तो यही प्रिंट करवाएगा, जो ये वाला पार्ट है वो इसने ये प्रिंट करवाया, ठीक है, सो और फिर इसने इसके बाद में इसने प्रिंट करवाया, सॉरी
फिर ये चलता रहा, मतलब लगातार काम करता रहा इसके ऊपर, और इसने अपडेट करता रहा, और लास्ट में अपना ये हाइपोथेसिस आया जिसके अंदर हमने स्पेसिफाई किया सनी कंसिस्टेंट था, वार्म कंसिस्टेंट था, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट था, इसकी वजह से वो यस था। बाकी ये दो तीन थे, तीन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इन सब एट्रीब्यूट्स की वजह से। तो ये हाइपोथेसिस इनिशियली हम तूने हाइपोथेसिस सेट की थी कि सबकी वजह से फर्क पड़ता है, लेकिन बाद में हमने देखा कि नहीं, सबकी वजह से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो तीन एट्रीब्यूट थे वो सेम नहीं थे, इनकी वजह से फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज व्हाट फाइनल एस फाइंड एस एल्गोरिदम, इट स्पेसिफाइज द हाइपोथेसिस। ओके, सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी लर्निंग।